हेलो फ्रेंड्स, आई एम रवि कुमार, कोच ऑफ कर्नल शार्प शूटर जालंधर। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ प्रेसी होल स्पोर्ट्स कंपनी की एयर पिस्टल, जिसका मॉडल है NP60। आज हम इसकी फायरिंग टेस्टिंग करेंगे और इसकी एक्यूरेसी के बारे में भी जानेंगे, जो कि ये प्रेसी होल कंपनी ने जो पहले पिस्टल आती थी SP60, तो उसमें कुछ खामियाँ थी, जैसे कि उसमें थोड़ा सा रस्ट आ जाता था और वो स्प्रिंजर पिस्टल थी। अभी ये इन्होंने एक लेटेस्ट मॉडल निकाला है NP60 ड्रैको। इसके अंदर क्या है कि एक तो ये रस्ट प्रूफ पिस्टल है और जो इसका मैकेनिज्म है वो स्प्रिंग पिस्टल के अंदर दिया गया है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि ये इस तरह के एक बॉक्स के अंदर ये पिस्टल आती है। जैसे कि इसकी जो वेलोसिटी दी गई है वो दी गई है 420 FPS के अंदर इसकी वेलोसिटी आती है। और पिस्टल जो NP60 ड्रैको नाइट्रो पिस्टन ब्रेक बेल्ट जो कि ये पिस्टल है, इसके साथ हमें क्या कुछ जैसे कि दिया जाता है। ये इजी लोडर है, जब हम गन को लोड करते हैं तो इसको इस्तेमाल करके हम इसको इजी वे से हम लोड कर सकते हैं। ये 50 पैलेट्स दिए जाते हैं सैंपल के तौर पे प्रेसी होल की तरफ से वो है। और ये इसका एक मैनुअल है जिसके अंदर इसकी यूज़ करने की तरीका और इसके बारे में थोड़ा बताया गया है। तो जैसे कि आप पिस्टल देख रहे हो, ये प्रेसी होल स्पोर्ट्स कंपनी की NP60 ड्रैको पिस्टल है, जो कि रस्ट प्रूफ बैरल के साथ ये पिस्टल दी गई है। और जो इसकी जो ग्रिप देख रहे हो आप, ये 2-in-1 ग्रिप है। इसमें आप राइट हैंड से भी पकड़ सकते हो और लेफ्ट हैंड से भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर ये सेफ्टी दिया गया है जो कि मैनुअल सेफ्टी है। जब आप इसको लोड करते हो तो आप इसको सेफ्टी मोड पे भी इसको रख सकते हो और ट्रिगर चलाने से ये फायर भी नहीं होगा। तो ये जो ये पिस्टल है, इसके अंदर जो नाइट्रो पिस्टल दिया गया है वो रिकॉयल के लिए दिया गया है। जब स्प्रिंजर पिस्टल हम यूज़ करते हैं तो जब हम फायर करते हैं तो वो रिकॉयल काफ़ी करता है और रिकॉयल की वजह से वो एक्यूरेट नहीं लग पाता, इसलिए वो खामी दूर करने के लिए इस पिस्टल के अंदर नाइट्रो पिस्टल दिया गया है। तो इससे रिकॉयल थोड़ा सा जरूर कम हो जाएगा, पहले से तो जरूर कम होगा, और मैं आपको फायरिंग करके भी दिखाऊंगा। तो जैसे ये इजी लोडर है, जब हम इसको इजी वे से अगर लोड करते हैं तो ये इजीली लोड हो जाता है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आपने अभी देखा कि इतना इसका रिकॉयल नहीं है, पहले से काफ़ी अच्छा है, जो कि SP60 के अंदर रिकॉयल आता था उससे तो काफ़ी कम है। तो मैं अब फायर करके दिखाऊंगा। मेरे पास ये ब्लैंक टारगेट होगा, इस पर मैं ये 10 मीटर का जो डिस्टेंस है हमारी जो शूटिंग रेंज है, 10 मीटर शूटिंग रेंज है, तो ये मैं ब्लैंक टारगेट लगाऊंगा इसके ऊपर। और ये डायबोलो के पैलेट से जो कि मैं 5 शॉट्स फायर करके दिखाऊंगा और देखते हैं कि इसकी एक्यूरेसी और रिकॉयल वगैरह क्या रहता है। और इसका जो वेट है वो 975 ग्राम्स के अंदर इसका वेट आता है। नियर अबाउट जो 10 मीटर के जो पिस्टल्स होता है उनका भी तकरीबन सेम वेट ही होता है, तो उसी वेट के अंदर ये पिस्टल निकाली है। और जो इसकी टोटल लेंथ है वो 325 mm के अंदर इसकी टोटल लेंथ है। तो मैं अब ये टारगेट मैं यहाँ लगा देता हूँ और इसकी मैं फायरिंग करके दिखाऊँगा। तो मैं इसी का इस्तेमाल करूँगा जो कि ईजी लोडर है, इसी का इस्तेमाल करूँगा और मैं आपको 5 शॉट्स फायर करके दिखाता हूँ। ये मैं अपनी जो पिस्टल शूटिंग की पोजीशन है, मैं उस पोजीशन में आके आपको फायर करके दिखाता हूँ। तो मैंने अभी आपको फायर करके दिखाया, मैंने 5 शॉट्स फायर किए हैं।
जब हम फायर करते हैं तो थोड़ा सा रिकॉल रहता है राइट की तरफ, वो आप ग्रिप कैसे कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली इसका रिकॉल थोड़ा बहुत रहेगा। तो मैंने अभी 5 शॉट्स फायर किए हैं 10 मीटर के डिस्टेंस पे, अब ये देखते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कैसी रहती है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये मैंने 5 शॉट्स फायर किए हैं, तो इसमें से 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये 10 मीटर का डिस्टेंस है और ये आपने इसकी एक्यूरेसी देखी। तो ये आपने पिस्टल देखी है, और इस पिस्टल के रिगार्डिंग अगर आपको और कुछ पूछना हो तो जो हमारी वेबसाइट है gunnelsharpshooter.com या फिर हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9888-222-248 पे जाके हमें संपर्क कर सकते हो। और इस वीडियो को आप लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।